को महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ की डिलीवरी भी इसी हॉस्पिटल में हुआ था, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए हैं। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉस्पिटल एक्सप्लोर व्लॉग सीरीज नंबर दूसरा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ हम लोग हॉस्पिटल को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम चलेंगे फिर से गुड़गांव में फोर्टिस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ जाएंगे और उसके फोर्टिस के बारे में सारा डिटेल्स जानकारी देंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं फोर्टिस गुड़गांव। पहुंच चुके हैं हम हरियाणा में स्थित, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल के पास, जो आपको ऑलरेडी हमने बताया था आपने कि फोर्टिस हॉस्पिटल को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे फोर्टिस हॉस्पिटल के बारे में। फोर्टिस हॉस्पिटल जो 1996 में स्टार्ट हो चुका था, फोर्टिस हेल्थ केयर, नॉर्मली फोर्टिस हेल्थ केयर के और बहुत सारे ब्रांच हैं, टोटल ऑल ओवर इंडिया में 34 ब्रांचेज हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। तो आज हम गुरुग्राम में स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताएं तो फोर्टिस हॉस्पिटल हरियाणा के गुड़गांव में स्थित हुआ है। ये 1996 में फोर्टिस ग्रुप 1996 में स्टार्ट हो गया था, जो आज से 26 साल पहले हो चुका था। फोर्टिस ग्रुप के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी हैं। और टोटल फ्लोर की बात करें तो टोटल फ्लोर 5 फ्लोर है फोर्टिस हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल में टोटल 15 ऑपरेशन थिएटर है, लगभग 11 से 15 के बीच में लिफ्ट। अगले पॉइंट में अगर हम बताएं आपको कि नंबर ऑफ बेड, मींस कैपेसिटी ऑफ बेड क्या है इस हॉस्पिटल की, तो टोटल जो कैपेसिटी ऑफ बेड है 1000 बेड है इस पूरे हॉस्पिटल में, जिसमें 110 बेड क्रिटिकल केयर के बेड हैं। मतलब जैसे आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है, क्रिटिकल केयर बेड वैसे भी मरीज को रखते हैं जहाँ पे कोई पेशेंट क्रिटिकल हो, तो उस तरह के बेड 110 हैं। और इस हॉस्पिटल के पास टोटल जो बेड है वो है 1000 बेड। और दोस्तों, एक और क्वायरी होती है जो मैक्सिमम लोगों को सबसे ज़्यादा ये क्वायरी होती है जानने की, ये होती है कि विजिटिंग आवर्स क्या होती है। तो इस हॉस्पिटल में जो वार्ड के लिए विजिटिंग आवर्स है, 10 बजे से 11 बजे तक सुबह में होता है, और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक होता है सिर्फ वार्ड के लिए। और जो आईसीयू के लिए विजिटिंग आवर्स है, जो आईसीयू में पेशेंट है उनके लिए विजिटिंग आवर्स है, वो है 11:30 से 12:30 सुबह में, और शाम में 5:30 से 6:30 शाम में, ये विजिटिंग आवर्स आईसीयू के लिए होते हैं। और दोस्तों, अगर एरिया की बात करें कि फोर्टिस हॉस्पिटल कितने एरिया में है, तो टोटल बता दें तो 11 एकड़ में ये पूरा कैंपस है। आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत ह्यूज कंसेप्ट के साथ बनाया गया है। और टोटल एरिया की बात करें तो टोटल 11 एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया होता है, 11 एकड़ में स्थित है ये हॉस्पिटल। तो दोस्तों, अब अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सर्विसेज क्या क्या है जो अटेंडेंट को यहाँ पे मिलता है, मींस अगर कोई पेशेंट एडमिट करा रहा है तो अटेंडेंट के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ सुविधा दिया गया है। रहने के लिए अगर आपके पेशेंट यहाँ पे एडमिट है तो आपको प्रॉपर लॉन्च दिया जाता है रहने के लिए, PVR शूज़ के लिए है, शॉपिंग के लिए है, लॉन्ड्री है, इवन आपको कोरियर की सुविधाएँ मिलती है यहाँ पे। ऑलमोस्ट अटेंडेंट को, अटेंडेंट की सारी सुविधाएँ देने के लिए यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि एटलीस्ट अटेंडेंट को कोई भी डिफिकल्टीज ना आए, अटेंडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े ड्यूरिंग एडमिशन टाइम या फिर अभी कभी भी स्टे करने के लिए। तो दोस्तों, अब अगले पॉइंट में हम आते हैं। अगला पॉइंट है पेशेंट टाइप्स, मींस क्या क्या टाइप्स हैं पेशेंट के यहाँ पे, किस किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आते हैं या फिर क्या क्या ये है। तो सबसे पहले अगर देखें तो कैश पेशेंट है यहाँ पे, नॉर्मली TPA पेशेंट है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो भी आप आ सकते हैं। PSU पेशेंट है, प्राइवेट सेक्टर के जो भी कंपनीज के अगर एम्प्लॉई हैं तो आप आ सकते हैं। CGHS, DGHS या ACHS, ये तीनों पैनल्ड नहीं है इस हॉस्पिटल में, हरियाणा गवर्नमेंट पैनल्ड है। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट से एम्प्लॉई हैं तो आप हरियाणा यहाँ पे आके अपना बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये सारे रहे पेशेंट टाइप्स हैं यहाँ पे।
चलिए दोस्तों अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है इमरजेंसी सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। तो इमरजेंसी यहाँ पे 24x7 इमरजेंसी सर्विसेज है। 24x7 आप चाहें तो इमरजेंसी सर्विसेज हो सकते हैं। रेडियोलॉजी की सुविधा है हमेशा, 24x7 लैब की सुविधा है यहाँ पे। एक्सरे 24x7 सुविधा है। ब्लड बैंक की सुविधा 24x7 है और लैब की सुविधा 24x7 है। इन केस अब कभी भी इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर हो रहा है तो वो आपको इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर भी 24x7 आप इसकी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं अब अगले पॉइंट में, इस हॉस्पिटल का अचीवमेंट क्या क्या है। नॉर्मली अचीवमेंट में काफ़ी सारे अचीवमेंट है इस हॉस्पिटल के पास। ग्रीन हॉस्पिटल अवार्ड हॉस्पिटल में एडमिट, ये हॉस्पिटल को ग्रीन हॉस्पिटल का अवार्ड मिला है 2014 में। तो अगर अचीवमेंट की बात करें तो दूसरा अचीवमेंट जो हम बता रहे हैं वो बेस्ट सिंगल स्पेशलिटी इन कार्डियोलॉजिस्ट अवार्ड जो ICC के द्वारा लंबर्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तीसरे टाइम भी फोर्टीज हॉस्पिटल FMRI को ये अवार्ड मिला था जो TV18 के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया हुआ था। तो अचीवमेंट में अगर और बताएं तो महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ जो साक्षी है उनकी भी डिलीवरी, उनकी भी बेबी न्यू बर्थ यहीं पे हुआ था ऑलरेडी, जिस टाइम महेंद्र सिंह धोनी ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेल रहे थे। सेलिब्रिटीज़ तो मैक्सिमम बहुत ही सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने बताया आपको महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ की डिलीवरी भी इसी हॉस्पिटल में हुआ था और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं। और 2016 में इस हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया इस हॉस्पिटल को। तो ये सारे अचीवमेंट है इस हॉस्पिटल के पास। और दोस्तों अगर बात करें रेटिंग की तो हॉस्पिटल का रेटिंग 3.9 है एज पर गूगल के द्वारा इसको 3.9 रेटिंग दिया हुआ है। और दोस्तों चलिए अब आखिरी पॉइंट में हम अगर बताएं तो हॉस्पिटल में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रेशियो क्या है वो हम बताना चाहेंगे इस हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आउट ऑफ 5 में देखा जाए तो 4 यहाँ पे स्टाफ सेटिस्फेक्शन रेशियो दिया गया है उस हॉस्पिटल को। और दोस्तों एक सबसे अब लास्ट में हम पॉइंट बता दें कि ये हॉस्पिटल NABH और JCI दोनों से अफिलिएटेड है। NABH होता है जो एक हॉस्पिटल को क्वालिटीज़ के ऊपर में जो हमने बताया है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है। तो उस हॉस्पिटल दोनों सीट से NABH और JCI से ये हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये था फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम का फुल एक्सप्लोर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और यारों में अपने सर्कल में शेयर करें ताकि और भी लोगों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखें और इसका बेनिफिट्स उठा सके। चलिए मिलते हैं आपको एक और अगले किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।